अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की निगरानी में मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच अयोध्या में सबसे बड़े जमीन घोटाले का आरोप भी लग रहा है और ये आरोप लगा है बीजेपी के विधायक, मेयर, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम और एसडीएम पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या का जमीन घोटाला आखिर है क्या, क्यों कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी राशन पानी लेकर चढ़ गए, और अयोध्या जमीन घोटाले पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को घेर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला आया। काशी के बाद अयोध्या को केंद्र और राज्य सरकार ने विकास की परियोजनाओं का केंद्र बनाया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी करीब 70 करोड़ जमीन राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार के लिए खरीदी। साथ ही अयोध्या में होते विकास को देखते हुए अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया। अब यहीं से अयोध्या में जमीन घोटाला शुरू होता है। आपको सबसे पहले बताते हैं अयोध्या में कौड़ियों के भाव में जमीन किसने खरीदी है। तो इसमें नाम है, अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, दीपक कुमार पूर्व डीआईजी अयोध्या, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी, पीपीएस अरविंद चौरसिया, पुरुषोत्तम दास गुप्ता पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या, आयुष चौधरी पूर्व एसडीएम अयोध्या, बद्री उपाध्याय लेखपाल, सुधांशु रंजन कानूनगो। अयोध्या का माजा बरेटा गांव और उस गांव में वो जमीन है जो अफसरों ने कौड़ियों के भाव खरीदी है। हम इस समय पर उन्हीं जमीनों के पास खड़े हैं। मेरे एक तरफ ये जमीन जो बाउंड्री नुमा है, ये अयोध्या में डीएम रहे अनुज झा के पिता बद्री झा के द्वारा खरीदी गई बताई जा रही है। उसके बगल में संगम झा, जो अनुज झा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा खरीदी गई है। इसी तरीके से इस जमीन के पीछे जो हाईवे से लगी हुई है, इसके पीछे भी पुलिस अधिकारी, यहाँ पर डीआईजी अयोध्या रहे दीपक कुमार, उनके रिश्तेदार के द्वारा खरीदी बताई जा रही है। इस तरीके से ये जमीन है लगातार खरीदी गई और सवालों के घेरे में वो ट्रस्ट भी आया जिससे ये जमीने कुछ अफसरों ने भी खरीदी, जिसमें अयोध्या में वर्तमान में कमिश्नर एमपी अग्रवाल भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जमीन घोटाला हुआ कैसे। तो सुनिए, पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सबसे पहले मामला चर्चा में आया। इसके बाद जमीन विवाद के नए खुलासे के केंद्र में है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, जिसने सन 1990 से 1996 के बीच बरहटा मांझा और आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी। इन्हीं जमीनों में से कई जमीन ऐसी है जिन्हें खरीदने के लिए नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया। तीन चीजें हुई, एक दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, एक जमीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी, उन्होंने 2021 में उस जमीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को, वो 8 करोड़ के लिए बेची वो जमीन, 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस जमीन का दूसरा, उसी जमीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भूमि कानून के तहत गैर दलित को दलित से जमीन खरीदने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है या फिर दलित की तरफ से उस जमीन को आबादी की जमीन में बदलवाना होता है, लेकिन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट में इसका जुगाड़ निकाल लिया गया। पहले दलितों से खरीदी गई जमीन को अपने भरोसे के दलित व्यक्ति के नाम खरीदा गया, फिर उस दलित व्यक्ति ने महर्षि रामायण विद्यापीठ को इस जमीन को दान कर दिया और इसमें लाखों की स्टैंप चोरी भी की गई, जिसके चलते ट्रस्ट पर मुकदमा हो गया। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई
अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लॉट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। सवाल ये नहीं है कि अयोध्या में कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, सवाल ये है कि महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के खिलाफ लंबित जांच और मुकदमे में जो अधिकारी शामिल थे उन्हीं के रिश्तेदारों ने बाद में ये जमीन खरीदी। इस गोरख धंधे में राजस्व विभाग के अफसर हो या पुलिस विभाग के या फिर नेता, सभी ने जमीन की बंदरबांट में अपने अपने किरदार निभाए। की जमीन रही ये महर्षि की रही महर्षि की। और अब की जमीन है यार? अभी तो ये तो डीएम साहब ले है। डीएम साहब कौन? कौन डीएम? हैयाबाद के हो। अब यही है कि बदल गए? है? बदल गए हैं सही। अच्छा, पहले वाले डीएम साहब बहुत तगड़े से मोटे से लंबे से हैं। अच्छा हाँ। मौजूदा समय में अयोध्या के कमिश्नर एमपी अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद ने 25 से 30 वर्ग मीटर और उनकी बहन के पति आनंद वर्धन ने 1260 वर्ग मीटर की जमीन खरीदी है। इसके अलावा महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट से मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता के साले अतुल गुप्ता की पत्नी तृप्ति गुप्ता ने जमीन खरीदी है। इसी तरह डीआईजी दीपक कुमार की साली महिमा ठाकुर के नाम से जमीन खरीदी गई है। अयोध्या से एसडीएम और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी की चचेरी बहन शोभिता रानी के नाम से भी जमीन खरीदी गई है। यही नहीं, इलाहाबाद के कमिश्नर रहे उमाधर द्विवेदी ने भी जमीन खरीदी है। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के नेता भी पीछे नहीं रहे। फर्जी मार्कशीट मामले में जेल में बंद अयोध्या जेल के गोसाईगंज से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने भी अपने बहनोई राजेश मिश्रा के नाम से जमीन खरीदी। ये सारी जमीन महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़ी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जमीन खरीद फरोख्त को लेकर महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट कटघरे में है, उसी से अधिकारियों और नेताओं के परिजनों ने कैसे जमीन खरीदी। संतोष शर्मा, अयोध्या, आज तक।